सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सब लोगों को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टर्म के बारे में जो है गोंडवाना। ये इसका नाम सुना होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा, लेकिन गोंडवाना एक क्या था एज ए गोंडी पर्सन। ये ट्राइबल कम्युनिटी से ये टर्मिनोलॉजी बिलोंग करती है। तो मैं एक गोंड हूँ, तो गोंडवाना के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि भाई ये क्या है, मेरे स्कूल का भी नाम गोंडवाना सैनिक विद्यालय था जहाँ पर मैं पढ़ता था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। तो मैंने सोचा कि क्या है क्या है, किसी ने बताया नहीं। तो मैंने इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश करी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो भी बना लेते हैं। तो मेरे पास एक फोन रहेगा, तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोंडवाना के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस अच्छे लगते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो और लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले सर्च किया है गोंडवाना किंगडम। गोंडवाना किंगडम सर्च करने बाद क्या आया है, पहला विकीपीडिया पेज आया। चलो विकीपीडिया पेज पे देखते हैं क्या है। तो बोला रहा है कि गोंडवाना किंगडम वॉज रूलिंग किंगडम इन गोंडवाना रीजन ऑफ इंडिया। गोंडवाना किंगडम था इंडिया में जहाँ पे रूलिंग होती थी गोंडो की। द गोंडवाना रीजन इंक्लूड्स कोर रीजन ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ। विदर्भ का ईस्टर्न पार्ट था, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा पार्ट था, नॉर्थ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द वाइडर रीजन एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस इन ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न तेलंगाना, वेस्टर्न ओडिशा और साउथर्न उत्तर प्रदेश। तो तेलंगाना का पार्ट था, उड़ीसा का पार्ट था, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा पार्ट था इसमें। तो गोंडवाना किंगडम जो था, जो यहाँ पे राजगोंड रूल किया करते थे, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी का एक हिस्सा है गोंड, वहाँ पे राजगोंड रूलिंग कम्युनिटी थी जो इस गोंडवाना किंगडम पे रूल करती थी। और इस किंगडम का नाम जो गोंडवाना पड़ा है वो उस वहाँ पे रहने वाले गोंडी लोगों के वजह से पड़ा है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। गोंडवाना मीन्स कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, उसका मतलब ही होता है, गोंडवाना का मतलब ही होता है कि जहाँ पे गोंड रहते हैं, मतलब गोंडवाना उनकी लैंग्वेज में, मतलब हमारे लैंग्वेज में। तो गोंडो का मतलब पहले हिस्ट्री में मतलब राइटिंग कहाँ पे मिली, तो ये मुगलों के टाइम पे था। 14th सेंचुरी में मुगल क्रॉनिकल्स में 14th to 18th सेंचुरी द एरिया वॉज हेड बाय गोंड डायनेस्टी ड्यूरिंग मुगल टाइम। मुगल्स टाइम पे ये एज अ कंसिडर किया जाता है कि एक किंगडम है जहाँ पे गोंड्स रूल करते हैं, गोंड डायनेस्टी के। और 18th सेंचुरी में मराठाओं ने गोंडवाना को कॉन्कर किया, मतलब मराठाओं ने गोंडो को हराया और वो महाराष्ट्र में जुड़ गया आधा पार्ट, और आधा छत्तीसगढ़ में भी चला गया, आधा थोड़े थोड़े अलग अलग हिस्से में चला गया, लेकिन गोंडवाना वॉज कॉन्कर्ड बाय मराठा। तो इसका कुछ पार्ट मराठाओं के पास था और कुछ पार्ट मुगलों के पास था। तो कुछ कुछ गोंड्स उनके यहाँ पे रहने लग गए और कुछ कुछ मतलब जंगल में चले गए, मतलब हम लोग जंगल में रहेंगे, मतलब जो इनएक्सेसिबल एरियाज है, बहुत डीप एरियाज है, वहाँ पे कुछ अभी भी गोंड्स रहते हैं, ट्राइबल जो लोग हैं। यहाँ पे कभी नेटवर्क का भी इशू आता है, मतलब बहुत जगह पे नेटवर्क का इशू है, मतलब यार इतने डीप एरिया में रहते हैं इस एरिया। तो ये था विकीपीडिया। चलो नेक्स्ट देख। तो नेक्स्ट वेबसाइट है हिस्ट्री फाइल्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है गोंड्स किंग्स वर वेरी ऑफ वेरी लिमिटेड इम्पोर्टेंस, मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया था। देवर पार्ट ऑफ अब ओरिजिनल गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब के वो पार्ट थे, वो अभी भी सेंट्रल इंडिया में के रिलीजन्स पे रहे। तो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी ये थोड़ा गोंडवाना किंगडम सर्च किया था मैंने। तो चलो सर्च करते हैं गोंडवाना फेमस पर्सनालिटीज। तो रानी दुर्गावती एक गोंडवाना की क्वीन थी, तो उन्होंने मुगल आर्मी के साथ फाइट किया था। रानी दुर्गावती वॉज बॉर्न ऑन 5th ऑफ अक्टूबर अक्टूबर 1524 CE। तो एक साइट मिली है topper.com, वहाँ पे लिया कि लर्न सो मच अबाउट गोंड्स इन जस्ट 3 मिनट्स। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे स्टोरी डाली है उन्होंने। द गोंड्स और सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है जो है गोंड। गोंड लोग रहते थे पेनिनसुला प्लेटू इस रीजन में रहते थे, मतलब डीप जंगलों में रहते थे वहाँ के। मुस्लिम राइटर्स डिस्क्राइब्ड राइज ऑफ गोंड स्टेटस आफ्टर 4th सेंचुरी। मुस्लिमों ने लिखा था कि गोंडवाना 14th सेंचुरी के बाद में बहुत ही पावरफुल किंगडम बन गया था। और द गोंड्स लिव इन लार्जेस्ट फॉरेस्ट रीजन ऑफ गोंडवाना प्रेजेंट डे एरियाज ऑफ MP, AP, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, मतलब फॉरेस्ट रीजन में गोंड लोग रहते थे। आज के डेट में MP का कुछ हिस्से में,
एरियाज ऑफ एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी कुछ रीजन में रहते थे, और दे प्रैक्टिस शिफ्टेड कल्टिवेशन एज पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे, कल्टिवेशन अलग अलग जगह पे करते थे। द लार्ज गोंड ट्राइब्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलेस्ट स्मॉलर क्लैंस विद ईच क्लैन हैविंग इट्स ओन राजा। अलग अलग क्लैंस हुआ करते थे, मतलब क्लैन होते हैं ना, तो अलग अलग क्लैंस में वो रहते थे और हर क्लैन का एक अलग अलग राजा हुआ करता था। इस तरीके से वो गोंड जंगल में रहते थे। देयर इज मेंशन ऑफ गोंड किंगडम इन अकबरनामा विच टॉक्स अबाउट रूल ऑफ अकबर, मतलब अकबरनामा में भी गोंडों का वहाँ पे, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है। इट मेंशंस द गोंड किंगडम ऑफ गरकटंगा हैड 70,000 विलेजेस। गरकटंगा एक गोंड किंगडम का ही हिस्सा था, यहाँ पे 70,000 विलेज हुआ करते थे। संग्राम शाह, देन अमनदास जो किंग थे उनका सन, जो उनके बेटे थे दलपत शाह, मैरिड दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालबहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ माहोबा, प्रेजेंट डे यूपी में है। तो आफ्टर फ्यू इयर्स दलपत डाइड, मतलब उनके दुर्गावती के, रानी दुर्गावती के किंग, मतलब उनके हस्बैंड मर गए। बाद में रानी दुर्गावती के, जब वो क्वीन थी, जब वो रूल कर रही थी, तो उसके उनके अंदर गोंडवाना अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, मतलब अच्छे से ग्रो हो रहा था। असाफ खान ने अटैक किया था गरकटंगा पे, और वहाँ पे फिर रानी दुर्गावती ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया वहाँ पे। शी वॉज डिफिटेड, शी अलॉन्ग विथ हर सन डाइड ड्यूरिंग बैटल, उनकी और उनकी बेटी की डेथ हो गई बैटल में। वॉज द रिच स्टेट दैट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। तो जंगलों में जो हाथी होते थे तो अलग अलग किंगडम्स में सप्लाई करते थे, उसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। द मुगल्स आफ्टर डिफीटिंग द गोंड्स कैप्चर ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। तो मुगलों ने जब गोंडवाना को कैप्चर किया तो उनको बहुत सारे वहाँ से एलिफेंट्स और बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले। जब मुगलों ने गोंडवाना किंगडम वीर नारायण को दे दिया, जो अंकल थे रानी दुर्गावती के बेटे के, तब उसके टाइम में उनका उतना स्ट्रांग नहीं रहा गोंडवाना, तो मराठाओं के बुंदेल्स ने और मराठाज ने किंगडम को हरा दिया, गोंडवाना किंगडम को, और बाद में वो महाराष्ट्र में आ गया आधा पार्ट। तो बस इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये पता होना चाहिए तो इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।